बाद में आपको बताऊंगी जो सबसे अच्छी जगह है दुबई में। आपको जरूर जाना चाहिए, दुबई में बहुत अच्छी जगह है। सबसे पहली जगह आती है अल सीफ, वहाँ पे हम पुराने बोट्स देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, आपको वहाँ जाना चाहिए। नेक्स्ट है मिरेकल गार्डन। मिरेकल गार्डन में हर एक चीज़ फ्लावर्स से बनी होती है, यहाँ तक के जी हाँ ये हॉर्सेस तक फ्लावर्स के बने होते हैं। और ये तो देखिए इतना अच्छा, ये राउंड व्हील है, इसमें से तो पानी आ रहा है, और जल्दी से देखिए इस बोट से तो पानी निकल रहा है, और ये देखिए यहाँ पे सारा पानी पानी है, और यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। यहाँ पे तो एक कासल भी है, यहाँ पे एक स्मर्फ वर्ल्ड भी है। अगर आपको स्मर्फ वर्ल्ड बहुत अच्छा लगता है तो आपको जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्लावर्स की बनी है, यहाँ पे यहाँ तक के सारे बुर्ज खलीफा। अब बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा बहुत लंबा है, वो 100 मीटर का होता है, हम जहाँ से भी जाए वो दिखता रहता है। जैसे कि मैं एक बार ग्लोबल विलेज से जा रही थी, मुझे दिख रहा था, और जब एयरपोर्ट से भी दिखता है बुर्ज खलीफा, तो बुर्ज खलीफा इतना बड़ा है, और बुर्ज खलीफा तो बहुत ही ऊंचा है, वो तो हर एक चीज़ ऑफिस है, होटल है, बहुत सब कुछ है, उसके पास इमारत भी है और दुबई मॉल भी, ये सब तो आपको पता है, और आप सबको बुर्ज खलीफा के बारे में तो पता ही है। तो ये बहुत अच्छा है, तो इसमें से बहुत जब भी हम इमार या फिर दुबई मॉल जाएं और फाउंटेन तो ये तो बहुत प्यारा लगता है। और दुबई मॉल, अब दुबई मॉल है, दुबई मॉल में बहुत ज़्यादा बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ है। एक तो फिश एक्वेरियम है, इसमें बहुत डरावनी फिशेज हैं, शार्क्स भी है, ये एक बहुत ख़तरनाक फिश है। डांसिंग फाउंटेन बिल्कुल ही बुर्ज खलीफा के पास है, और डांसिंग फाउंटेन बहुत ऊंची तरीके से जाता है, ना कि सिर्फ ऊपर नीचे होता है, वो डांस करता है, वो बहुत अच्छा है। वहाँ पे बोट भी चलती है, जब तक बोट चलती है जब तक डांसिंग फाउंटेन चलता है, और बुर्ज खलीफा के पास ही होता है, और म्यूजियम ऑफ द एमर फ्यूचर, ये दी पॉइंट पाम जुमेरा, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ बोट्स होती है, यहाँ पे लोग स्विमिंग कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हम यहाँ पे बॉल से खेल सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे हम बहुत इन्जॉय कर सकते हैं, और यहाँ पे मिट्टी भी है, मिट्टी से भी खेल सकते हैं, और स्टारबक्स, यहाँ पे स्टारबक्स भी है, यहाँ पे हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे एक टेल है जिस पे हम ज़मीन पे लेट के मरमेड की तरह भी कर सकते हैं। और बुर्ज अलब भी बहुत अच्छा है, वो एक होटल है, वो बहुत अच्छा है, द लॉस्ट टेम्पल एक्वेरियम, वहाँ पे बहुत अजीब अजीब तरह की फिशेस हैं, आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए ताकि आपको फिशेस के बारे में पता चले। और यहाँ पे तो कुछ इस तरह की फिशेस हैं जो तो आपने आज तक नहीं देखी, स्नेक फिशेस और जेली फिशेस तो आप यहाँ ज़रूर देख सकते हैं, ग्रैब फिशेस भी है, जेली फिशेस यहाँ पे ज़्यादा है, नीमो तो यहाँ पे ज़्यादा कम ही है, वैसे इतनी ज़्यादा है नहीं, नीमो ऑरेंज एंड वाइट वाली बस एक ही एक्वेरियम है, ज़्यादा दूसरे कलर वाली तो दूसरी जगह पे, और यहाँ पे भी शार्क्स है, शार्क्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और एक जगह तो बिल्कुल शार्क्स की है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशेज है, एक पूरा फिशेज से भरा हुआ है, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी फिशेज है, इतनी बड़ी ये वाली फिश है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ नीमो भी है, और यहाँ पे स्ट्रिंगर फिश भी है, यहाँ पे स्नेक फिशेज आप देख सकते हैं कितनी हॉरर लग रही है, आपको ज़रूर जाना चाहिए, ये जगह बहुत बहुत अच्छी है। ये रही नीमो, ये एक नीमो है, और भी नीमोज है यहाँ पे,
आपको दिखेगी, लेकिन अभी वो पता नहीं कहाँ है। ये देखिए, आप यहाँ पे गोल्ड फिशेस देख सकते हैं। गोल्ड फिशेस तो आपके पास बहुत है। ये देखिए छोटी छोटी नीबर्स, मैंने आपको बताया था ना, ये वहाँ, ये देखिए वेव हाउस एटलांटिस। वेव हाउस बहुत अच्छा है, वहाँ पे झूले होते हैं, वहाँ पे एक बीच है, और यहाँ पे तो हम मज़े मज़े का खाना खा सकते हैं। कॉफ़ी भी बहुत मज़े की होती है। या काइट बीच, काइट बीच भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छी सॉफ्ट मिट्टी होती है, और यहाँ पे फिशेज होती है दूर तक के पानी में, लेकिन यहाँ होती हैं फिशेज। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा फिशेज। दुबई फ्रेम में आप देख सकते हैं कितना ऊँचा है, ये बहुत ऊँचा है, और यहाँ पे ग्लास है। ये अचानक से कभी बंद होता है और फिर अचानक से खुलता है, अचानक से फिर ये खुलता है, ताकि ऐसा लगे कि हम खुल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत से लोगों को डर भी लगता है कि हम गिर सकते हैं अंदर। और यहाँ से देखें, यहाँ से तो भी बुर्ज खलीफा दिख रहा है, बुर्ज खलीफा भी है। यहाँ नीचे देखें, नीचे यहाँ पे फाउंटेन है, और देखें ये भी है यहाँ पे, और देखें यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये जगह बहुत अच्छी है, और ये जगह इतनी अच्छी है कि आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। दुबई मरीना, स्काई दुबई, दुबई यहाँ पे बहुत सारी बोट्स चलती है, यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे बोट के अंदर ये शो भी होता है, लाइट भी चलती है, इससे बहुत अच्छा है, इससे लाइट चलती है, ये सबको बुलाते भी है। और फिर ये लोगों को अपने पास बुला के खुद भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, आपको फ्रीज बनेगा तो जरूर जाना चाहिए। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे खाना बहुत मज़े का होता है। यहाँ पे ऐसा खाना होता है जो आपको दुनिया में आज तक नहीं मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ऐसा मैजिक शो होता है। और फिर उसके बाद जब हम पहुँच जाते हैं तब हमारा ध्यान भटकता है, नहीं तो कभी कभार हमें बोट में बैठ कर डर भी लगता है। आपने टाइटैनिक की तो वीडियो ज़रूर देखी होगी, इसलिए उससे कुछ लोगों को तो डर लगता है, इसलिए इससे हमारा ध्यान भटकता है। यहाँ से ये सारी चीज़ें दिखती है, बुर्ज खलीफा भी दिखता होगा, जे बी आर बीच इतना अच्छा है कि यहाँ पे तो फिशेस चलती रहती है। और यहाँ पे तो लोग अच्छी तरीके से स्विम भी कर पाते हैं, यहाँ से ये तक दिखता है। और देखिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों का वो भी है, यहाँ पे हम स्विम कर सकते हैं। ये बच्चों का वो है जहाँ पे हम ऐसी जब हम बोट पे जा रहे हो तब हम जा सकते हैं इधर बच्चों को छोड़ के। ये स्विमिंग की बहुत अच्छी जगह है, हमें अगर हम इस बीच पे स्विमिंग कर रहे हों तो फिर हमें स्विमिंग पूल की ज़रूरत भी नहीं होगी। टाटा और लाइक।